गाजीपुर के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर उमेश सिंह जी को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो बीएचयू के महामंत्री रहे हैं, इसके साथ ही हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। उमेश जी, आप गाजीपुर में मुकाबला किससे मानते हैं? यहाँ पे मुकाबले से दोनों लोग बाहर हैं, क्योंकि दोनों दलों ने गाजीपुर के चुनाव को सीरियस नहीं लिया, वो भारतीय जनता पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी। समाजवादी पार्टी का ये है कि जब प्रत्याशी का कैंडिडेचर संदिग्ध है, मैंने आज तक नहीं देखा था कभी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना नॉन सीरियस चुनाव लड़ती हो कि कैंडिडेट का कैंडिडेचर संदिग्ध है, पार्टी के सुप्रीमो को पता है, कैंडिडेट को भी पता है, और फिर भी सिंबल दे दिया गया। इससे नॉन सीरियस चुनाव कभी लड़ा नहीं गया होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लड़ी होगी। आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भी आप करेक्ट नहीं जब तक करा लेते हैं, तब तक आपको पार्टी प्रत्याशी नहीं घोषित करती है, नहीं बनाती है। एक एक चीज़ वहाँ तय की जाती है कि आपका कैंडिडेचर पहले बन रहा है कि नहीं देने से पहले, और जिसका 99% कैंडिडेचर फेल हो उसको भी अगर आप पार्टी का प्रत्याशी बना दें तो अब वो लोग लड़ाई में कितना सीरियस लड़ रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे एलजी साहब हैं, 40 साल तक जनता ने वो चुनाव लड़ते रहे, जीते कम हारे ज़्यादा हैं, फिर भी जनता में लोग उनको ये मान के या इस तरह से वो तिकड़म बनाए थे कि कोई वहाँ आवेदन नहीं कर पाता था पार्लियामेंट की सीट के लिए। ये निर्विरोध 40 साल तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 40 साल से। अब इस बार उन्होंने, अब वो गवर्नर हैं, वो भी पद छोड़ नहीं पा रहे थे, लोभ मोह वहाँ भी सता रहा था, बेटे को लेके आ गए। यहाँ तक जनता ने धैर्य से परिचय दिया, धैर्यपूर्वक और सम्मान करते हुए उनका, कि ठीक है भाई, उचित तो नहीं है लेकिन अब नेता हैं, कह रहे हैं तो इनकी भी सुन ली जाए। कोई भी व्यक्ति यहाँ से जिले से आवेदन नहीं किया, और जिले से एक नाम केवल गया, वो अभिनव सिन्हा का गया। और अभिनव सिन्हा का नाम जाने के बाद जब पार्टी ने मना कर दिया कि ये इनको चुनाव नहीं लड़ाना है, तो इनको ठाकुर बाबन भूहार, कुर्मी कोयरी कहार कोई नहीं लगा दिखा इनको जिले में। इतनी बड़ी जो कहते हैं कि हमारी पार्टी है, कोई दूसरा कार्यकर्ता इनको चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला, फिर साढ़ू भाई को मैदान में लेके आ गए। तो ये दोनों पार्टियों ने गाजीपुर के चुनाव को नॉन सीरियस ले लिया है। ऐसे में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने एक नया प्रयोग किया है, जहाँ अभी तक बाहुबल, धन बल या सांसद विधायक होना ही मिनिमम क्राइटेरिया होती थी टिकट पाने के लिए। एक आंदोलनकारी को, एक छात्र नेता को उन्होंने बुला के निर्देशित किया, तुम्हें चुनाव लड़ना है, और पूरे संगठन को कह दिया कि इसको लड़ाना है। इतना उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में, इतना मजबूत संगठन, 5 लेयर का संगठन है, बूथ लेवल पे है, सेक्टर लेवल पे है, जोन लेवल पे है, विधानसभा लेवल पे है, और जिले के लेवल पे। इतना मजबूत, इतना अनुशासित, इतने डिसिप्लिन्ड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, दुनिया में कोई पार्टी वैसे। ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं एक नहीं 100 बार उन कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूँ, जो हमारे अधिवक्ता समाज के लोग हैं, अध्यापक समाज के लोग हैं, जिले के जितने गणमान्य लोग हैं, हमारे नामांकन में भी आए थे। तो इन लोगों का प्यार और समर्थन देख के मुझे ये लगता है कि एक तरफा लड़ाई है, बाकी दोनों दल और दोनों प्रत्याशी नॉन सीरियस हैं और नॉन सीरियस ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लड़ाई में कहीं बनी नहीं पा रहे हैं। वो जमानत अपनी बचा लें, यही बहुत है। हम बीएचयू की राजनीति को काफ़ी करीब से देखा, काफ़ी वहाँ पे लोकप्रिय भी रहे हैं, लेकिन अगर मैं गाजीपुर ज़िले की बात करूँ, विकास से काफ़ी अछूता रहा, विकास पुरुष तक की बात होती है, अगर उमेश जी चुनाव जीतते हैं तो बदलाव क्या आएगा? देखिए, बाबू विश्वनाथ सिंह गमरी जब सांसद थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में गाजीपुर के गरीबी और पूर्वांचल के स्थिति पे एक विस्तृत बहस की थी संसद में, जिस पे एक कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट है, और उस कमेटी की रिपोर्ट को आज तक किसी भी, 40 साल से यही दो लोग संसदीय राजनीति में,
इधर उधर करते रहे, किसी ने भी उसको छूने की भी हिमाकत नहीं की, उस पर काम करने की तो बात छोड़ दीजिए। जो बनी हुई मिलें हैं, बड़ौरा की कताई मिल, ये नंदगंज की शुगर मिल, ऐसे तमाम कि वो आज बंद पड़ी हैं, उससे रोजगार मिल सकता है, किसानों की स्थिति सुधर सकती है, गन्ने का ये बेल्ट है और गन्ने की खेती पहले होती थी, अब सब बंद है, आलू स्टोर नहीं है, सैदपुर में दो दो सरकारी स्टोर थे, सब बंद पड़े हैं, तो न फसल, न सब्जी, न गन्ना, खेती किसानी करने वाले लोग और खेतिहर मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जो बुनियादी चीज़ें हैं, आम जनता आज भी उनसे महरूम है। दोहरी शिक्षा नीति है, शिक्षा माफियाओं का एक यहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको रैकेट चलता है, मनमानी आप सभी निजी स्कूलों में देख लीजिए, EWS का कोटा जो नेवरिंग स्टूडेंट के लिए होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है कि 25% स्टूडेंट को आप फ्री में एडमिशन लेंगे, किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं होता है, सरकार के सब लोग संरक्षण में पल रहे हैं। तो आम जनता को लोगों ने बड़ा परेशान किया है, उनके बातों को, उनके आवाज़ को, उनके दर्द को लोगों ने सुना नहीं है, इसलिए शायद जनता एकाएक मेरे आने पे खड़ी हो गई, उनको एक उम्मीद जग गई और उन्होंने महसूस किया कि यही नेता मेरा भला कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब जैसे अब तक मेरे मन में कोई विकार नहीं आया, लोभ मोह में कभी मैं फंसा नहीं, भगवान आगे भी मुझे संयमित रखे, लोभ मोह से मुक्त रखे, कोई विकार पैदा न करे, ताकि मैं जनता के बीच रह के उनके दुख दर्द को बांट सकूं। धन्यवाद। माननीय न्यायालय से अफजल अंसारी जी का जो कि फैसला भी आने वाला था, उस पर अब सुना तो ये है कि आज अफजल जी के ही वकील ने समय ले लिया, तो ये लिंगर क्यों करना चाहते हैं? वैसे फैसला 30 के पहले आना है, चुनाव के पहले आना है, चुनाव के बाद फैसला करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर री इलेक्शन होंगे और बाई इलेक्शन कराना फिर ये एक अलग चुनाव आयोग का काम हो जाएगा। तो जब वो चीज़ें पेंडिंग हैं तो चुनाव के दरमियान ही उस पर जजमेंट होना है, ये कंपल्सन है कोर्ट पे। तो फैसला 30 तक आना ही, जितना टालना चाहें, समय मांगना चाहें ले लें, बहस कर लें, 10 दिन कर लें, लेकिन 29 को जज कहना होगा जब आपकी बहस समाप्त, दूसरा पक्ष सुनाए और फैसला आ जाएगा। गाजीपुर की राजनीति में उबाल तब आया जब उमेश जी ने कहा एक और माफिया, दूसरी और कलम माफिया। देखिए, दोनों माफियाओं के जंजाल में एक नौजवान जरायम की दुनिया से जुड़ रहा था, दूसरा शिक्षा क्षेत्र में, जो अब आप उससे तो आम आदमी परेशान हो रहा था, जो ये लूटपाट निजी स्कूलों द्वारा की जाती है, हर साल पुस्तक बदल दी जाती है, हर साल ड्रेस बदल दिए जाते हैं, वहाँ अध्यापकों को उनका वेतन नहीं मिलता, छात्रों से मनमानी फीस वसूली जाती है, तमाम तरह की फीस हर साल, उसमें आप वो क्या कहते हैं, डेवलपमेंट शुल्क भी लेते हैं, एडमिशन फीस भी लेते हैं, एक साल न एडमिशन होगा बच्चे का, हर साल एडमिशन फीस, बेतुका फीस का स्ट्रक्चर, और कोई नेता इस पे नहीं बोलता, कोई जनप्रतिनिधि इसके विषय में नहीं सोचता, न किसी को इसकी चिंता है कि जनता कैसे है। लोग अभी तक जो थे चार दशकों से, वो अपनी संपत्ति, अपने परिवार और अपने वैभव को बढ़ाने में लगे हुए थे। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल, जितना आप पगडंडियों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगा क्या आपको कि यार ये ज़रूरत है, होनी चाहिए? देखिए, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को जानबूझ के बीमार बना दिया गया है ताकि निजी स्कूल और अस्पताल चल सकें। लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, लोग पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, संभ्रांत घरों की महिलाओं को भी सड़क पर निकल के काम करना पड़ रहा है अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। ये सब मुद्दे हैं जो ज़रूरी हैं, सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती और चावल गेहूं बांट के वोट लेना चाहती हैं। मध्यम वर्ग की बात कोई कर नहीं रहा है और गरीब तो गरीब पहले से है, तो ये चंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है,
अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। जनता अपना निर्णय सुनाएगी और इस बार फैसला प्रत्याशी तय आएगा। बाकी दोनों दल चुनाव सीरियसली लड़ी नहीं रहे हैं तो लड़ेंगे कि न उनके कैंडिडेट सीरियस है न पार्टी सीरियस है। किसी का कैंडिडेचर नहीं है फिर भी सिंबल लिए है। उनकी बिटिया का कैंडिडेचर था तो उनको इंडिपेंडेंट कर दिए हैं। लाए इसीलिए थे कि भाई हम तो लड़ नहीं पाएंगे, यही लड़ेगी। तो फिर क्या हुआ खेल जी। डील क्या हो गई, खेला भी होता है। हाँ, कुछ तो खेल या डील हुई है कि आखिर आप चुनाव लड़ाना चाहते थे बिटिया को, योग्य वही थी, मतलब एलिजिबिलिटी उसकी थी, आपकी तो है नहीं जी। तो फिर आपने सिंबल उसको दिया क्यों नहीं? आपको पहले से पता था कि मैं नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए ना आपने बिटिया को लेके आए मैदान में जी। तो ये सब जनता जानती है और ये दोनों लोग लड़ नहीं पाएंगे और मिल के लड़ना चाहते हैं जो डील मैंने कही, या तो डर के, सरकार से डर के, और या तो मिल के लड़ना चाहते हैं आगे का अपना जीवन सुरक्षित रखने के लिए। कुछ तो हुआ है, अब ये उन्हीं को बताना है। उमेश जी इतना बोलते हैं कैमरे पे, डरते नहीं आप आगे? अरे भाई, हम व्यक्तियों से थोड़े कभी लड़े हैं, लेकिन सरकारों से लड़ते रहे हैं। ये लोग पुलिस दरोगा देख के हिल जाते हैं। हम इनके, चाहे उस राज्य की सरकार हो या केंद्र की, सरकारों से लड़ने वाला व्यक्ति इन लोगों से डरने की बात सोचे? भाई हमने बिगाड़ा किसी का क्या है? डर तो लगता है, लेकिन उस जनता की बददुआ का कि अगर उसने प्रेम और सम्मान दिया है तो कहीं हमसे तिरस्कार न हो जाए, कहीं हमारा मन न बदल जाए। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रेम लोगों के प्रति बना रहे, ये जरूर रखना भगवान, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अब पूर्वांचल की राजनीतिक बिसात सच चुकी है। गाजीपुर ज़िले की बात करें तो एक ऐसा समीकरण है, राजनीतिक पंडित भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जब से बसपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया गाजीपुर का पारा चढ़ चुका है। एक खास मुलाकात बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर उमेश सिंह जी के साथ। अगर मैं कहूँ बसपा ने जिस तरीके से उनको उतारा BHU के छात्र जीवन में, एक अच्छे नेता, अगर मैं कहूँ एक अच्छे वकील, और साथ में आज जिस तरीके से छात्र आंदोलन का भी ये हिस्सा रहे हैं, गाजीपुर की सरगर्मियाँ तेज हैं। उमेश जी इतना समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।